नमस्कार दोस्तों, विशाल तबला सेशन इस आपके पसंदीदा चैनल की एक और नई वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ तबला, तबले की पहचान। लेकिन उसके पहले मैं आपको आज के विश्व संगीत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ तबला। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इस ऑनलाइन तबला क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज तबले का पहला लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ तबला यानी तबले की पहचान। आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसे पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन हम लोग आज उसे फिर दोहराएंगे, उसको हम रिपीट करेंगे। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि किसी भी वाद्य को सीखने के लिए उसका राइट लेफ्ट अप डाउन क्या है हमको मालूम होना बहुत जरूरी है, उसी तरह तबला सीखने से पहले तबले का इंट्रोडक्शन लेना काफी जरूरी है। किस पार्ट को क्या कहते हैं, तबले के किस अंग को क्या कहते हैं, शास्त्र में उसका क्या उल्लेख है, हमें उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं तबले की आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि तबला यह दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का एक सेट है, एक समुच्चय है। जैसे कि तबला और डग्गा, तबला आकार में छोटा है, डग्गा आकार में बड़ा है। दोनों का साउंड भी अलग अलग है, उसका उपयोग, उसके पार्ट्स भी अलग अलग है। हम एक एक करके हर एक पार्ट्स की आज जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ तबला, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि तबला और डग्गा ये अलग अलग दो वाद्यों का एक संच है। हम वन बाय वन इसको सीखेंगे। मैं डग्गा को थोड़ा बाजू में रखूंगा, मैं तबले के बारे में बात करता हूँ। तबला आकार में दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वजन में बहुत ज्यादा। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ब्लैक पार्ट जो सबसे मिडल में है, हम उसे कहेंगे स्याही, मराठी में उसे हम शाही कहेंगे। उसके बाजू में आउटर लेयर है, मैदान या फिर लॉ। उसके बाजू में और एक लेयर है, इसे हम कहेंगे किनारी या फिर चाटी। जैसे कि शाही, मैदान या फिर लॉ, किनारी या फिर चाटी, और सबसे आउटर लेयर में है गजरा या फिर वेणी। उसी तरह ये पूरा ऊपर का सरफेस हो गया जो लेदर से बनाया हुआ है, और इसे हम कहेंगे चमड़े की पुड़ी। आप इसे किसी कारागीर के पास जाओगे रिपेयर करवाने के लिए, नया खरीदने के लिए, तो उसे पुड़ी कहेगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे पुड़ी कहना है। जैसे कि शाही, मैदान, किनारी, गजरा, इसे वेणी भी कहा जाता है। मैं आगे जाता हूँ। कुछ थ्रेड जैसा दिख रहा है, रस्सी, लेकिन ये रस्सी नहीं है, ये चमड़े से बनाई हुई वादी है जो काफी कड़क होती है। हम उसे हाथ से तोड़ नहीं सकते, इतनी ये मजबूत होती है। किसी भी तबला को बनाने के लिए वादी 20 से 22 मीटर 20-22 मीटर्स तक की लंबी होती है। इसका महत्व बहुत है। हम ऊपर की चमड़े के पुड़ी के बारे में अगर बात करते हैं, तो इस पुड़ी को ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, जिसके कारण तबला बचता है, वो वादी में जो उसे खिंचाव दिया गया है उसके वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वादी। उसके बाद राउंड शेप्ड गट्ठा जो लकड़े से बना हुआ है उसे कहेंगे हम गट्ठा। जैसे कि मैंने कहा था वादी गजरा या फिर वेनी में से गोल घूमकर आर पार होकर ऊपर आई है, और नीचे पेंदे में भी ये आर पार होकर फिर ऊपर आई है। यानी ये यहां से भी वेनी के अंदर से आई हुई है और नीचे पेंदे से भी नीचे से ऊपर आई हुई है, जिसके कारण पुड़ी के ऊपर टेंशन बना रहता है और हमें तबला हम उसे ठीक से बजा सकते हैं। इसके लिए वादी का रोल तबला में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिर से एक बार पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इसे मैंने कहा था वेणी या फिर गजरा, वादी, राउंड शेप, गट्ठा,
नीचे पेन दे, आप इसे देख सकते हैं। अभी तबले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खोड़। खोड़ यानी बीच वाला हिस्सा लकड़े का, जो पेड़ से यानी लकड़ी से बनाया हुआ है, और ये काफी महत्वपूर्ण इसका काम होता है। इसके लिए अलग अलग वनस्पतियों का भी यानी अलग अलग पेड़ों की शाखाओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बनाने की विधि अलग है। ये अंदर से कम आधा या फिर आधे से थोड़ा सा ज्यादा खुदा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, आधे तक ये हॉलो है। इस तरह से तबले का वन बाय वन हमने जायजा लिया। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, तबला शाही मैदान या फिर लौ किनारी या फिर चाटी गजरा, इसको वेणी भी कह सकते हैं, वादी गट्ठा पेंदे और खोड़ बीच वाला पार्ट। अभी तबला को प्लेस करने के लिए, उसको हमारे सामने रखने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग जैसा दिख रहा है, इसे हम कहेंगे गुडरी, इसको हिंदी में गुडरी कहा जाता है या फिर उसको मराठी में चुंबड़ कहा जाता है। इसकी बदौलत हम इसको हमारे सामने ठीक से रख सकते हैं, हमारे कद के हिसाब से या फिर हमको जो पोजीशन कंफर्टेबल है उस हिसाब से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए इसका रोल भी इम्पोर्टेंट है और ये भी तबला का एक महत्वपूर्ण अंग है। तबला के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे डग्गा के इंस्ट्रूमेंट, डग्गा के इंट्रोडक्शन के बारे में। डग्गा, इसकी बनावट दिखने में तबले जैसी है, लेकिन इसका बजाने का विधि और आने वाला साउंड काफी अलग अलग होता है। वन बाय वन अगले सफर में हम उसे भी देखेंगे। फिलहाल मैं डग्गा की इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। जैसे कि तबले में हमने देखा था शाही मैदान किनारी गजरा या फिर वेणी, वादी हूबहू एकदम सेम टू सेम इसके पार्ट है, कुछ पार्ट्स का फर्क है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि तबला में, तबला की बनावट का जो मुख्य अंग था खोड़, इसमें खोड़ नहीं होता, इसमें एक मेटल से बनाया हुआ पॉट होता है जो अंदर से पूरा खोखला यानी हॉलो होता है, अंदर कुछ नहीं है। इसके लिए अलग अलग मेटल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास या फिर स्टील। हर एक मेटल का रिजल्ट या फिर उपयोग अलग अलग कारणों से किया जाता है, उसका एकॉस्टिक्स मेटल के हिसाब से अलग अलग होता है। ये काफी एडवांस चीज है, हम इसे भी सीखेंगे, लेकिन अलग से एक पार्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसमें भी गट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। गट्टे का इस्तेमाल हम आवाज के लिए करते हैं कि हमें उसका साउंड कैसा चाहिए। इसमें भी तबला की तरह नीचे पेंदे है, उसमें भी वादी घूम के ऊपर आती है और वेणी या फिर गजरा में से फिर नीचे जाती है। वादी का उपयोग मैंने पहले ही बताया था कि चमड़े की जो पुड़ी है, जो ऊपर का ये जो पूरा सेट है, इसको टेंशन में रखने के लिए वादी का रोल यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि तबले के नीचे चुंबड़ या फिर गुडरी रखी गई थी, उसी तरह डग्गा के नीचे भी हम इसे गुडरी रखेंगे। इसका भी काम वही है, हमको कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल है हम वो हिसाब से इसको रख सकते हैं। जैसे कि मेरा पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, हर एक का पोजीशन रखने का स्टाइल अलग अलग होता है। दोस्तों, ये हो गया तबला और डग्गा का एक क्विक इंट्रोडक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द लेसन। अगले लेसन में हम लोग तबला के कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।